ये राम जन्मभूमि कारालली है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे काम चल रहा है, पत्थरों का पत्थर तराशे जा रहे हैं, आपने देखो कई वीडियो में, आपको दिखा रहा हूँ मैं एकदम लाइव अपडेट। ये यहीं से सब पत्थर तराश के राम मंदिर पहुँचाए जाते हैं और कई हज़ारों के टन में पत्थर यहाँ पर रखे हैं, आप देख रहे हो ये डिज़ाइन दिए गए हैं पत्थर को, आप देख रहे हो हैं कई कई सालों से पत्थर तराशे जा रहे हैं, आप देखो राम जन्मभूमि पे कारालली में। पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, आपको पूरी जानकारी दूंगा कि राम मंदिर पे जो पत्थर रहे हैं जो किस तरह तराशे जाते हैं, कहाँ पे काम चल रहा है, कहाँ से पत्थर बन के आते हैं, तराशे जा रहे हैं, हम आपको पूरा दिखाऊंगा पूरी वीडियो में, लास्ट तक देखें। और आपको इस टाइम कारालली में लेके जा रहा हूँ राम मंदिर के, यानी कि जितना भी सामान आता है राम मंदिर के लिए कारालली में यहीं पर रखा जाता है, और जब जन्मभूमि पर जाता हूँ वहाँ पर ये देखिए पत्थर है, आप देख रहे हो ये इनको तराशा गया है, मंदिर के आकार की तरह बनाया गया है, बहुत बारीकी से तराशे गए हैं पत्थर, आप देख रहे हो ये यहीं सब रखे हैं, यहीं से तराशे जाते हैं पत्थर जब जाते हैं राम जन्मभूमि पर मंदिर पर, यहाँ पे मंदिर बन रहा है, पहले यहाँ पूरा कंप्लीट हो रहा है कार्य तराशने का, देखिए यहाँ पे कितना बारी था बड़ा। कई सालों से काम चल रहा है, हर एक पत्थर पर अलग तरह का डिजाइन आप देख रहे हो, ये बहुत सुंदर तरीके से तराशे गए हैं पत्थर, बहुत भारी भारी पत्थर हैं ये। राम जन्मभूमि मंदिर के लिए कारालली से हिस्से जाते हैं, कारालली है आपको दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ से पत्थर तराशे जाते हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि कारालली आपको दिखा रहा हूँ मैं, किरणें रखी इन किरणों से उठ के जाते हैं पत्थर यहाँ से, ये सुबह एंट्री होती है मंदिर में, जो भी सामान जाता है राम जन्मभूमि पर सुबह जाता है मॉर्निंग में 10 बजे से, उसके बाद पूरे दिन काम चलता रहता है। जय श्री राम। और ये आप देख रहे हो कटिंग, यानी पत्थर जो काटे जाते हैं इसी आरे मशीन से काटे जाते हैं, आप देख कितनी बड़ी आरे मशीन है, आप क्रेन देख रहे हो, इसी क्रेन से ऐसे ये पत्थर उठ के जाते हैं राम जन्मभूमि मंदिर पर, सुबह मॉर्निंग में जाते हैं 10 बजे गेट खोलता है मंदिर का, यहीं से सब सामान जाता है, जो भी सामान जाता है यहीं से जाता है राम जन्मभूमि पर। ये राम जन्मभूमि कारालली है आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट है, DSP SP सब यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, आप देख रहे हो ये गणेश जी को तराशा गया है पत्थर के डिजाइन में, गणेश जी दिखाए गए हैं आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप देखिए वो नीचे गणेश जी के पास में गणेश जी की सवारी जो थी चूहे की सवारी पर भी दिखाई देगी तराशी गई है, कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है, इस देखिए आप इस मूर्ति को गणेश जी की पूरे पत्थर में सजाया गया है, आपको पूरा पत्थर दिखाता हूँ, और मंदिर का डिजाइन दिया है इस पत्थर को, आप देख रहे हो बहुत ही तरीके से सुंदर तरीके से सजाए गए हैं और इन्हें तराशे गए हैं पत्थर, आप देख रहे हो ये राम जन्मभूमि मंदिर पर जाएंगे सभी, ये पत्थर यहाँ से उठ के अभी काम चल रहा है राम मंदिर पर, आप देख रहे हो ये अभी जो पत्थर देखे पत्थर को राजस्थान जयपुर से लाए गए थे, मोदी जी ने जब भूमि पूजन किया ये 351 खम्भे का हो गया राम मंदिर, 351 पहले 600 खम्भे का 212 खम्भे का मॉडल ये बना हुआ, 212 106 खम्भे नीचे 106 खम्भे ऊपर, 300 खम्भे 351 खम्भे कोरोना काल में जब भूमि पूजन था, ये घंटा कब लाया गया था तमिलनाडु से कोरोना काल में जब भूमि पूजन थी एक महीना बाद घंटा लाया था तमिलनाडु लाया गया भूमि पूजन के लिए, ये तमिलनाडु से लाया गया 6.5 किलो का घंटा है, ये अष्ट धातु का बना हुआ है, यही घंटा राम के राम मंदिर में लगेगा जो साउथ के राम भक्तों ने दान दिया है, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। 70,000 हिंदुओं के खून से बनी हुई 3 नंबर की बाबरी मस्जिद ब्लैक एंड व्हाइट होती है, एक कोठारी मंदिर के बच्चे हैं ललित कोठारी अदित कोठारी जो सगे भाई थे, जो 6 दिसंबर 1900 में पहला गुम्बद इन्होंने ही तोड़ा था, आइए देख रहे हो सब पत्थर जो है रखे हैं, ये सब राम मंदिर की जन्मभूमि पर जाएंगे जहाँ पे काम चल रहा है मंदिर का, इधर देखिए उधर ये पत्थर रखे लाल पत्थर हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी ईंटों में सीताराम सीताराम लिखकर भेजे थे, तो ईंट यहाँ ला कर रखी हुई थी, तब ये पत्थर राजस्थान जयपुर से लाया गया था, तब से पत्थरों की कटिंग का काम चल रहा है, कोरोना काल में मोदी जी ने राम मंदिर पर भूमि पूजन किया, इन्होंने 351 खम्भे का राम मंदिर का घोषणा किया, 351 खम्भे का बनेगा, इसका नया मॉडल इन्होंने बनाया, ये सब पत्थर जो बन चुके हैं इनको जाकर राम मंदिर को लग रहा है, 22 जनवरी को आपको मालूम है राम मंदिर का ओपनिंग होने वाला, जो मोदी जी आकर करेंगे, यही सब पत्थरों से राम मंदिर का काम चालू है, ये घंटा चल जाएगा, हाँ फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट, सेकेंड फ्लोर अपना होता रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा, अब जैसे घर में रहता है किचन बाथरूम का काम चलता है, बस घर का ओपनिंग करा आदमी खाना पी, देखो सब पत्थर जो है राम जन्मभूमि पर जाएंगे, अब तराशे जा रहे हैं कई सालों से तराशे जा रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये कटर है जिससे पत्थर तराशे जाते हैं, कटिंग होती है पत्थर की, यहाँ से सब सामान जाता है मंदिर कारालली में, अभी भी फिलहाल खड़ा हूँ राम जन्मभूमि कारालली पे, आपको दिखा रहा हूँ पीछे मेरा जो घंटा है ये 6 क्विंटल 13 किलो का घंटा है, आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले जो घंटा आया था ये घंटा आया था 6 क्विंटल 13 किलो का, आप देख रहे हो ये,
अब घंटा चेंज कर दिया गया, अब जो दूसरा घंटा आएगा सामने मंदिर है, आप देख रहा हूँ राम जन्मभूमि कार्यालय पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। राम जन्मभूमि का नया नक्शा है ये जो आप देख रहे हो, आपको शाम में दर्शन करा रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी के मंदिर के कंप्लीट हो चुका है बन के। राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, ये पत्थर तरह से जाते हैं, ये पत्थर जो तरह से जाते हैं राम जन्मभूमि कार्यालय में, ये भी अयोध्या में पहले वहाँ पे पत्थर तरह से जा रहे हैं कई सालों से, कंप्लीट होके जब आते हैं पत्थर अयोध्या राम जन्मभूमि तक। ये जो आप सामने देख रहे हो चेक पोस्ट बन रहा है मंदिर के लिए, अंदर जाने के लिए एंट्री पास होकर यहाँ से एंट्री ले रही है आप। जनवरी की 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी द्वारा स्थापित की जाएगी मूर्ति मंदिर में, और आपको जूम करके दिखा दो, देखिए मंदिर प्रभु राम की नगरी अयोध्या। काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है आप देख रहे हो। अच्छी लगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई होप आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, और ऐसी अयोध्या की अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, फुल जानकारी देंगे आपको अयोध्या के बारे में।